हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरी शनाई यूथ इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको होम साइंस का एग्जाम पेपर दिखाऊंगी, क्वेश्चन पेपर 10th क्लास का 2018 का पेपर है ये। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि साइड में एक कोड दे रखा है, ये कोड जो है आपको अपने आंसर शीट में लिखना होता है, वहाँ पर आप एग्जाम सेंटर पर जो टीचर होंगे उनसे पूछ सकते हैं। ये जो है रोल नंबर है, यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा अपने क्वेश्चन पेपर पर। एनरोलमेंट नंबर आपको अगर याद नहीं तो अपना आपके पास जो कार्ड होगा वो आप देख सकते हैं, और इसमें जो है आपको डेट और डे लिखनी है, और उसके बाद जो नीचे दो ब्लैंक्स दे रखे हैं उसमें जो टीचर जो होगी वो साइन करेगी। बाकी ये जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मतलब अगर आपको पढ़ना कंपलसरी नहीं होता, अगर लेकिन आपको कुछ नॉलेज लेना है, कुछ ज़्यादा मतलब डिटेल में जाना है तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में यही चीज़ हिंदी में दे रखी होगी, जो इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वही चीज़ हिंदी में दे रखे होंगे। उसके बाद कि जो आंसर शीट होगी उसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, नाम वगैरह, एनरोलमेंट नंबर, कहाँ कहाँ साइन करना है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पूछी गई होती हैं, और जो सेंटर कोड होगा वो सब पूछा जाएगा, तो वो सब आपको बता दिया जाएगा वहीं पे जाके पता चलेगा। 85 मार्क्स का होगा, और लोगों को पूरा ट्राई करना है कि आप लोग सारे क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन करें, कुछ ना कुछ कोई मतलब कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद यहाँ से जो है क्वेश्चन 1 स्टार्ट हो जाएगा, आपको देखना है जैसे कि ये है चॉइस वाले क्वेश्चन से ये सारे, तो जिसमें ऐसे जैसे इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें से आपको एक चूज़ करना होगा, उसका सही आंसर जो है इस तरह से आपको करना होगा। और थोड़ा लेंदी लिखने की कोशिश करिएगा अपने एग्ज़ाम में, थोड़ा लेंदी लिखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी राइटिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, राइटिंग गंदी नहीं मतलब एकदम साफ़ सुथरी कोशिश करिएगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश करिएगा कि थोड़ी राइटिंग जो है अपनी नीट एंड क्लीन, और एक एक वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट्स होंगे आपके वो सारे एकदम क्लियर होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है राइटिंग की वजह से ना, आप लोग ने अगर आंसर सही लिखा होता है तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आती आपकी राइटिंग, तो वो कट मार देता है सही आंसर होने के बावजूद। पर होता है कि आपकी मेहनत भी वेस्ट हो जाती है और अब मार्क्स तो कटते ही कटते हैं। और जैसे कि आप लोग को कहीं भी सेंटर पड़ता है तो वहाँ पे आपको जो है अपनी कुछ आईडी लेके जानी होती है, जैसे अगर आप NIOS का अगर आपके पास कार्ड है, अपना आईडी कार्ड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनकेस नहीं है, काफ़ी लोगों के पास नहीं होता, तो आप अपना आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन कोशिश करिएगा NIOS का आपके पास अपना आईडी कार्ड हो तो वो ज़्यादा सही होता है, उसमें 5 साल का वैलिडिटी होती है, मतलब 5 साल अगर आप 5 साल में फेल होते जा रहे हो तो 5 साल तक आपका वो कार्ड चल सकता है रिपीट होकर, लेकिन 5 साल के बाद आपको फिर से दूसरा बनवाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है आपको अपना एक हॉल टिकट लेके जाना होता है, हॉल टिकट जो है ऑनलाइन निकल आता है, तो वो जो आपको फ़ोन में लेके नहीं जाना है, फ़ोन में दिखाना नहीं है आपको, आपके पास आपकी हॉल टिकट की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के वो एक A4 साइज शीट में लेके जाना होता है, दिखाना होता है, तभी एंट्री मिलती है। प्लस आपको अपना आईडी कार्ड, दो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलती है, निकाल दिया जाता है सेंटर से, एग्ज़ाम नहीं देने देंगे वरना। तो अपना हॉल टिकट और अपनी आईडी कार्ड, दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी NIOS का आईडी कार्ड नहीं है तो अपना आधार कार्ड से भी आप कम चला सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर होगा आपका, वहाँ पे जाके फिर आपका वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर वाइज जो है आपकी बेंच होगी, वहाँ पे आपको जाके बैठना होगा, फिर जो है वहाँ पर आपको एक आंसर शीट ला के देंगी जो भी टीचर होंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद आपको बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट जो अपनी आंसर शीट भरनी होगी, जो भरनी इन द सेंस मतलब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, फिर जब मेन टीचर कह देगी एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, देन आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आप लोग क्वेश्चन पेपर पर अपना इनरोलमेंट नंबर लिखिएगा और अपना डे और डेट वगैरह डाल करके अपना आंसर शीट पर आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी पूरा मेरा वीडियो यहाँ तक खत्म होता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।